काशीपुर में कोरोना के चलते लॉकडाउन के दौरान कोई भी बच्चा पढ़ाई से दूर न रहे, इसके लिए शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन शिक्षा की पहल की। उप शिक्षा अधिकारी गीता जोशी के नेतृत्व में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सहयोग से शुरू की गई ये शिक्षा पूरे प्रदेश के शिक्षा विभाग के लिए मिसाल बन गई। उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सभी अधिकारी और कर्मचारी को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्वारंटीन किया गया। बता दें, शिक्षा अधिकारी ऋतिका जोशी ने बताया कि कोरोना के चलते सभी स्कूल पिछले 3 महीने से बंद है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के लिए विभिन्न जिलों में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की गई, लेकिन इसका लाभ विभिन्न कारणों के चलते बच्चों तक मात्र 14% ही पहुंच पाया। दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों की बात तो दूर, शहरी क्षेत्रों में विभिन्न कारणों के चलते बच्चे ऑनलाइन शिक्षा से दूर हैं। इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी, बच्चों के अभिभावकों की आर्थिक स्थिति लॉकडाउन के चलते बिगड़ जाना रही, कुछ परिवारों में एक मोबाइल, छात्र छात्राएं अधिक होने के कारण ऑनलाइन शिक्षा सफल नहीं हुई। ऐसे में काशीपुर में उनके द्वारा अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सहयोग से ऑफलाइन शिक्षा शुरू की गई। उनके मुताबिक इस दौरान बच्चों को वर्कशीट प्रोग्राम के तहत काशीपुर के 450 शिक्षकों ने अपना सहयोग देकर बच्चों तक पहुँच कर उन्हें वर्कशीट देकर कोविड से बचाव के उपाय भी बताए। शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, लेकिन चाह करके भी तमाम प्रयासों के बावजूद हम हर बच्चे तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तो हमारी टीम ने ये डिसाइड किया, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की जो हमारी काशीपुर शाखा है और हमारे कुछ प्रोएक्टिव टीचर्स, कि हमें कोई तरीका ढूंढना होगा कि जिससे हम हर बच्चे तक पहुंच सके। तो अंततः ये डिसाइड किया गया कि प्रत्येक बच्चे के पास काम दे करके, वर्कशीट दे करके, उत्तर पुस्तिकाओं में काम दे करके हम लोग बच्चों तक पहुंचेंगे और दूरभाष के माध्यम से बच्चों को गाइड भी करेंगे। एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है मैक्सिमम पेरेंट्स के पास, लेकिन जो कीपैड वाले नॉर्मल फ़ोन है उस पर काफ़ी बच्चों के, लगभग 85% बच्चों के पास ये फ़ोन की उपलब्धता है। तो इसी तरीके से हमारे टीचर्स ने फिर वर्कशीट डिज़ाइन किए गए और उन वर्कशीट को बच्चों तक पहुंचाया गया और बच्चों को दूरभाष पर फोन करके उनको प्रॉपर डायरेक्शन दिए गए। इसमें हमारी भोजन माता, जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान, हमारे कुछ पार्षद महोदय हैं, कुछ हमारे वार्ड मेंबर्स हैं मवाखेड़ागंज की तरफ से, तो उन लोगों का भी काफ़ी सहयोग मिला वर्कशीट डिस्ट्रीब्यूशन में। प्रथम चरण में हमने MDM के साथ ये डिस्ट्रीब्यूट किया था, फिर हमारे जिलाधिकारी महोदय ने एक बैठक करी थी, तो उसमें हमने ये मॉडल, मतलब उन्होंने समीक्षा बैठक करी थी कि क्या होगा इस समय सरकारी शिक्षा का। तो ये काशीपुर का जो मॉडल है ऑफलाइन मोड ऑफ एजुकेशन, ये हमने प्रेजेंट किया था, तो जिलाधिकारी महोदय ने फिर इसको संपूर्ण जनपद में लागू करने के लिए अपनी सहमति।